तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ चंदौली जिले के चंदासी एरिया में, और आगे ही बढ़ने पर बाएं साइड में आप देख रहे होंगे ये है आपका मुगल सराय आईपी मॉल, जैसा कि आप बाएं साइड में देख रहे होंगे। और आपको बता दें कि आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुगल सराय मार्केट के नज़ारे। हालांकि वर्तमान समय में देखा जाए तो मुगल सराय का नाम बदल कर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आज उसी का नज़ारा दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और आपको बता दें कि इसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आपके आधा दर्जन से अधिक आपके मैरिज लॉन भी हैं, और कई सारे होटल भी हैं और रेस्टोरेंट भी है। और दोस्तों आगे ही बढ़ने पर आप दाहिने साइड में देख रहे होंगे ये है आपका पुलिस चौकी चंदासी का। और आपको बता दें कि वाराणसी रेलवे स्टेशन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों आप बाएं साइड में देख रहे होंगे जो कि एक बैंक भी है, रेस्टोरेंट भी है और होटल भी स्थित है। और यह है नज़ारा कुछ इस प्रकार। और बाएं साइड में देख रहे होंगे जो कि मैरिज लॉन भी है, जैसा कि मैंने बताया था कि आधा दर्जन से अधिक आपका मैरिज लॉन भी है। और इस साइड आपका देख रहे होंगे जो कि बिल्डिंग मटेरियल का दुकान भी कई सारे आपका मौजूद है। और इस साइड आपका है भारत पेट्रोलियम। और इसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में जो मार्केट है, इस मार्केट में आपके कई सारे कपड़े के शोरूम भी स्थित है। आगे ही बढ़ने पर आपका कैलाशपुरी कॉलोनी भी स्थित है। और कुछ मीटर की दूरी पर ही आगे बढ़ेंगे तो दाहिने साइड में आपका है तड़वा वीर बाबा मंदिर, जैसा कि आप दाहिने साइड में देख रहे होंगे। और आगे ही बढ़ने पर आप बाएं साइड में देख रहे होंगे जो कि राज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी स्थित है अपने मुगल सराय मार्केट में। और दोस्तों आप बाएं साइड में देख रहे होंगे यह है एक बस स्टॉप, और बस स्टॉप के ही आगे है आपका सुभाष नगर कॉलोनी। और दाहिने साइड में देख रहे होंगे जो कि सिटी कार्ड का एक कपड़े का शोरूम भी स्थित है। और बाएं साइड में देख रहे होंगे जो कि इस साइड भी आपका कपड़े का एक शोरूम स्थित है। और इस साइड देख रहे होंगे जो कि एक मुगल सराय में पिछले कुछ साल पहले ही बनकर पानी टंकी यह तैयार हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ से आपका देखेंगे तो फल मंडी और सब्जी मंडी मुगल सराय का जो है स्थित वह शुरू हो जाता है। और यही बाएं साइड में था आपका पुलिस फायर स्टेशन, और ये है आपका कोतवाली मुगल सराय का। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका फल और सब्जी बिकते हुए दोनों तरफ दाहिने और बाएं साइड में आपको नजर आ रहा होगा। और आगे ही बढ़ने पर
क्योंकि मुगल सराय का काफ़ी प्रसिद्ध जो आपका मार्केट है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला जो एरिया है आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। और देखा जाए तो प्रतिदिन आपको यानी कि ये जो एरिया है आपको जाम मिलेगा। और जाम मिलने का कारण ये भी है कि यही मार्केट से जब आगे बढ़ेंगे तो दाहिने साइड से एक रास्ता कटा हुआ है जो कि सीधे आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के लिए चला जाता है और जिसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाम लग जाता है। और इसी मार्केट से आगे ही बढ़ने पर बाएं साइड से एक रास्ता कटा हुआ है जो कि गल्ला मंडी के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे जो कि काफ़ी यहां पर जाम लगा हुआ है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस यह जो एरिया है हमेशा यहां पर जाम आपको मिलेगा जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। और सामने ही आप देख रहे होंगे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मुगल सराय का एक मंदिर भी स्थित है जो कि रोड के किनारे ही जैसा कि आप देख रहे होंगे स्थित है। और उसी के ठीक सामने आपका एक रास्ता कटा हुआ है दाहिने साइड से जो कि सीधे आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के लिए चला जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप दाहिने साइड में देख रहे होंगे जो कि एक बोर्ड भी लगा हुआ है और दोस्तों आपको बता दें कि इसी मुगल सराय जो मार्केट है आगे ही बढ़ने पर दो रास्ते कटे हुए हैं जो कि बाएं साइड वाला रोड सीधे शॉर्टकट होते हुए जो कि चहनिया के लिए चला जाएगा। और चहनिया आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मार्केट है यहां से चहनिया लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह जो रास्ता है यह सीधे आपका मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका आरओबी होते हुए जो कि आप चहनिया के लिए भी चले जाएंगे और अली नगर होते हुए जो कि सीधे आप चंदौली होते हुए आप बिहार राज्य के लिए भी चले जाएंगे।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, अब मैं चढ़ चुका हूं आपका मुगल सराय पुल के ऊपर, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। और वर्तमान समय में देखा जाए तो पुल के नीचे आपका रेलवे लाइन भी बिछाने का कार्य चल रहा है इस समय। आप देख रहे होंगे जो कि खाली जो स्थान है वहाँ पर आपका रेलवे लाइन बिछाने का कार्य लगभग शुरू हो चुका है। और आप बाएं साइड में ही देख रहे होंगे जो कि एक तालाब भी मुगल सराय का स्थित है, और दाहिने ही साइड में आपका है रेलवे कॉलोनी मुगल सराय का। और आपको बता दें कि आगे ही एक त्रिमुहानी है जो कि बाएं साइड वाला रोड आपका सीधे देखा जाए तो अली नगर के लिए भी चला जाएगा और सकलिया के लिए भी चला जाएगा। और वहीं दाहिने ही साइड वाला जो रोड है वो सीधे आपका चकियां के लिए चला जाएगा। और आगे ही बढ़ने पर जो चकियां वाला जो रोड है उससे पहले ही एक रास्ता है जो कि NH-90 के लिए भी चला जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों सीधे रास्ता ये अली नगर के लिए चला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।